सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि हर आदमी रोज़ कमाने वाला है, हम मिडिल क्लास लोग हैं और रोज़ रोज़ अपने काम धंधे से छुट्टी नहीं ले सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक ना एक दिन हमारी आवाज़ ज़रूर योगी जी तक भी पहुँचेगी और हमें अपना घर भी मिलेगा। आप लोगों का पूरा साथ चाहिए, मोदी जी तक हमारी आवाज़ ज़रूर पहुँचाइए प्लीज़। अत्याचार जब हद से गुजर जाता है तो लोगों को आक्रोशित कर देता है और लोग फिर सड़क पे आ जाते हैं। ताज़ा घटनाक्रम जो है वो अप कंट्री के अंदर है, एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर से लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो भुक्तभोगी हैं इस अत्याचार के, समस्या किसी और की, पाप किसी और का और भुगतना इनको पड़ रहा है। मैं बता दूं आपको कि समस्या है बिल्डर और अथॉरिटी की, लेकिन भुगतना पड़ रहा है बायर को। बहुत बुरी दशा है, रेरा आ गया है, तब भी कहते हैं कि कोई समाधान नहीं हो रहा है और बायर परेशान है, दर दर भटक रहा है और घूम घूम कर बात कर रहा है अपनी। अब जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें मैं बता दूं कि बात हो रही है प्लॉट्स के बायर की। जो प्लॉट्स के बायर हैं वो किस तरीके से परेशान है। सर क्या नाम है आपका? जीतमल। क्या समस्या है, क्यों आए हैं आप जंतर मंतर और जो कह रहे हैं कि इनडेफिनेट पीसफुल प्रोटेस्ट? मैंने सुपरटेक में एक 100 गज का प्लाट बुक किया था और करीब 19 लाख रुपए में पूरे पेमेंट कर चुका हूं। हाँ। लेकिन कंपनी कब्जा देने को तैयार है, लेकिन रजिस्ट्री है वो सब कुछ नहीं करने को तैयार। बिगर रजिस्ट्री के वैसे ही कह रही है कब्जा ले लो आप जो है। मतलब ऐसे कैसे कहीं होता है, क्या कब्जा कैसे माना जाएगा? सरकार तो मानेगी नहीं, रजिस्ट्री नहीं है तो। रजिस्ट्री ऐसा नहीं करना चाह रहे जो है, और उसके अंदर भी और डिमांड जो है ना कह रहे हैं कि ये दो वो दो दुनिया भर के, जो कि पहले जितना उन्होंने शेड्यूल में हमें जितनी पेमेंट कही थी सारी हम दे चुके हैं 100%। अच्छा। और उसके बाद भी हमें एक 3 लाख के करीब का और नया चार्जेज का भेज दिया। तो ये कहाँ से चार्जेज आते हैं, क्यों आते हैं, और आप जब आपने खरीदा था तब क्या ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन थी? नहीं, टर्म्स कंडीशन के हिसाब से हम फुल पेमेंट कर चुके हैं। अच्छा। उसके बाद 3 लाख का उन्होंने बिल भेज दिया। हाँ। फिर हमने जो है वो क्या नाम है पब्लिक उसमें केस हमने एक फाइल किया और उस केस के अंदर हमें स्टे भी मिल गया उनके ऑर्डर की, लेकिन उसके बाद उसने कुछ नहीं किया जो है ना। तो आपको क्यों भेजती अथॉरिटी? बिल्डर और अथॉरिटी का मैटर है कि आपका और अथॉरिटी का मैटर है? नहीं नहीं, अथॉरिटी अपना काम पूरा नहीं करती, बल्कि वो जो है दूसरे जो है वो बिल्डर से, तो उनकी लगता है कुछ हिसाब किताब होता होगा। अच्छा। अपना काम पूरा वो नहीं करके जो है वो जो कस्टमर है उस पे, वेंडर पे, उस पे सारी जो है मुसीबत डाल। मतलब गलती बिल्डर की, अथॉरिटी की और भुक्तभोगी बायर, ये कहना चाह रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक कहा आपने एकदम। तो अब इसका सलूशन क्या है, रेरा से कुछ मदद मिलती है क्या? रेरा कुछ नहीं जो है ऑर्डर कर देती है, रेरा के ऑर्डर इम्प्लीमेंट कहीं नहीं होते और उनकी कोई जिम्मेवारी भी नहीं है इम्प्लीमेंट करवाने की जो है। आपका जो स्पेसिफिक केस है उसमें कब आपने पैसा दिया और कितना कितना आपका हुआ था? करीब 19 लाख रुपया है सारा दे चुके और आज करीब 11 साल हो गए मेरे को। देखिए कितना परेशानी है कि 11 साल होने के बाद, पूरा पैसा देने के बाद अभी तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना तो रेरा से मदद मिल रही है, ना अथॉरिटी से मदद मिल रही है और दिन ब दिन नए नए चार्जेज इनको भेज दिए जाते हैं। बात करते हैं पजेशन लेने की तो वो कहते हैं बिगर रजिस्ट्री के पजेशन ले लो। ऐसा होता है कि अगर ऐसे ले लेंगे तो फिर उसका औचित्य क्या रहा, पैसा दे दिया किसी को, और अगर कोई इस तरह से क्या होता है। बहुत ही मुश्किल वक्त है बायर के लिए, अपनी जीवन की गाड़ी कमाई को लगाकर खड़े हुए हैं और इंतज़ार में हैं। बुढ़ापे में किसी ने अपना पूरा जीवन कमा के जो पूंजी इकट्ठी की थी उसने सोचा था बुढ़ापे में अब मैं आराम से रहूँगा, लेकिन ये सरकार है, ये अथॉरिटी है जो इनको जंतर मंतर के चक्कर लगवा रही है, जगह जगह घूम रहे हैं और अपने हक को लेने के लिए भी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो काम है ये गलत है, इस तरह की तानाशाही नहीं होनी चाहिए अथॉरिटी की? अगर ऐसा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत।